आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इलेक्ट्रिशियन हो लेकिन हैंडसम हो। राजा राम नाम है ना तुम्हारा? जाओ वहां जाके देखो लैंप खराब है, ठीक करो। राजा राम क्या प्रॉब्लम है लैंप में? पूरा खोलना पड़ेगा, एक एक पुर्जा चेक करना पड़ेगा, फिर मालूम पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हर पुर्जा ठीक से चेक करो। करो। अच्छा लगता है जब तुम्हें शॉक लगता है। Really? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इलेक्ट्रिशियन हो लेकिन हैंडसम हो। राजा राम नाम है ना तुम्हारा? जाओ वहां जाके देखो लैंप खराब है, ठीक करो। राजा राम क्या प्रॉब्लम है लैंप में? पूरा खोलना पड़ेगा, एक एक पुर्जा चेक करना पड़ेगा, फिर मालूम पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हर पुर्जा ठीक से चेक करो। करो। अच्छा लगता है जब तुम्हें शॉक लगता है। Really? घूर क्यों रहे हो मुझे? एक बात कहें मैडम, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। बहुत गोरी हो, एकदम ट्यूबलाइट की तरह। ये क्या कह रहे हो विभू? ये कोई तारीफ करने का तरीका है? अरे तुम फूल चांद किसी से भी मुझे कंपेयर कर सकते थे, तुम मुझे ट्यूबलाइट से कंपेयर कर रहे हो। डैम अनु, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये बल्ब और ट्यूबलाइट की बात करेगा, और किसकी बात करेगा बताओ मुझे। यार इस ओके, अगर नहीं जम रहा तुम्हें तो जाने दो यार, लेट्स डू समथिंग एल्स। दीपू मस्ताना ही ठीक है यार, मैं वो कर लेता हूं। नहीं, 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 नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे राजा राम पसंद है। दीपू मस्ताना से तो मैं बोर हो गई हूँ। चलो चलो फिर से बोलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। बात कहें मैडम। बोलो। ये बताओ कि कौन सी चक्की का आटा खाती हो जितनी गोरी हो? क्या बक रहे हो राजा राम? सही बक रहे हैं मैडम, आपको देखते ही हमारे पुर्जे पुर्जे में करंट दौड़ जाता है। ज्यादा बदतमीज नहीं हो रहे हो तुम राजा राम? मैडम आपको देख के दिल बदतमीजी करने को बेचैन सा हो रहा है। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना माने ना माने ना। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा सर, तोड़ के दिखा। क्या कर रहे हो ये राजा राम, ये क्या कर रहे हो? कहिए। लोग सीटी मार रहे हैं, प्लीज खिड़की खुली हुई, डोंट डू दिस, खिड़की खुली हुई, प्लीज प्लीज प्लीज। इतना डरते हो? हाँ ओके,
देखो ये सब देख रहे हैं यार, दिस इज नॉट राइट, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, ऐसा मत करो। हमारा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा है, नहीं खाना हमें तुम्हारा खाना, ले जाओ इसे। अरे तिवारी जी इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ये तिवारी जी, भाभी जी भी चिल्ला रहे हैं, अभी खबर लेके आता हूँ इनकी। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे जाओगे क्या? चेंज करके जाऊंगा। मत जाओ ना, मैं नहीं चाहती राजा राम कहीं भी जाए। तुम भी कमाल करती हो यार अनु, वो आदमी टॉर्चर कर रहा है भाभी जी को और तुम्हें रोमांस सोच रहा है, कैन यू बिलीव दिस? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तुम मत जाओ, बिकॉज अगर तिवारी जी ने तुमसे वो बदतमीजी की तो आज खून खराबा हो जाएगा, बाय गॉड मैं बहुत तपा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी विभू, तुम प्यार से टैकल करना ठीक है? जल्दी आना राजा राम। ये पता ना ये लड्डू के भैया काहे बार बार गुस्सा करते हैं हम पे, बात बात में चिल्लाते रहते हैं। थैंक गॉड। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी घर पर नहीं हैं। भाभी जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप, ऐसा क्या हुआ? हाँ भाभी जी का मुंह ठीक नहीं है, अब जाइए। भाभी जी ये बताइए कि ऐसा कौन सा नीच इंसान है जिसने आपका मूड खराब किया? मैं उसकी ये क्या बात कर रहे हैं आप प्रभुति जी? नहीं भाभी जी मैं कह रहा था कि मैं उसकी माँ से शिकायत करके उसकी पिटाई करवाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है। भाभी जी वो कौन गुस्ताख कमीना है जिसने आपकी आंखों की झील में सेंध लगाई है? झील? आप झील बनाएंगे, झील में नहाएंगे कहाँ? आई न्यू इट कि इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, बट क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, मुझे बताइए कि वो कौन कमबख्त है जिसने आपको रुलाया, बताइए मुझे आप। जरूर हमें ही कोई कमी है जो लड्डू के भैया आपको पसंद नहीं करते। किसी घटिया गवार आदमी को जिससे सस्ती और घटिया किताबें पढ़ने की आदत हो, अगर उसके हाथ प्रेम ग्रंथ लग जाए ना भाभी जी, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं मालूम होती, कीमत नहीं मालूम होती उसको। का बोले? इसी का बोले में तो हमारी दुनिया बसती है। का बोले? भाभी जी मुझे बताइए कि क्यों रो क्यों रही हैं आप, बताइए मुझे प्लीज। लड्डू के भैया आजकल बहुत हंग्री रहते हैं। हंग्री नहीं भाभी जी, इट्स एंग्री। ओके सही पकड़े हैं। लेकिन क्यों भाभी जी? पता नहीं क्यों बात बात पे गुस्सा करते हैं। आज हम उनके फेवरेट मूली के पराठे बनाए तो बोले अंगूरी मूली के पराठे काहे बनाए, का करे हम? इस तिवारी जी को बहुत चर्बी चढ़ रही है, इनकी चर्बी कम करनी पड़ेगी। भाभी जी आप प्लीज रोइए मत, इन आंसुओं को पोंछ डालो, आई हेट टीयर्स। आपने लड्डू के भैया की चाय काहे छीन ली? एक्चुअली भाभी जी मैं इनको गुस्सा भगाने की एक थेरेपी दे रहा हूँ, यू नो। आप गुस्सा भगा रहे थे या गुस्सा दिला रहे थे? हमको आपकी थोपड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी इट्स नॉट थोपड़ी, इट्स थेरेपी। सही पकड़े हैं। जाओ, हमको आपसे बात नहीं करनी। भाभी जी मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी भाभी जी, लिसन टू मी मेरी बात सुनिए भाभी जी, मेरी बात सुनिए भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।